तो गाइस रियर रिप्ले के बाद लिम मॉर्गन भी पागल हो चुकी है डोमिनिक को पाने के लिए। जब ही आज की रो में एक बार फिर लिम मॉर्गन ने डोमिनिक को किस करने की कोशिश करी और ये दोनों काफी क्लोज आ चुके थे, पर फिन बेलर ये सब नहीं देख पाते और वो रोकने के लिए आ जाते हैं लिम मॉर्गन को और बोलते हैं तुम जजमेंट डे का पार्ट कभी नहीं बन सकती। और फिर लिम मॉर्गन बोलती है डोमिनिक खुद नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ और अगर तुम बोल रहे हो जाने का तो ठीक है मैं यहाँ से चले जाती हूँ। और जाते जाते भी लिम मॉर्गन डोमिनिक को टच करती हुई जाती है और जब इस चीज को स्लो मोशन करके दिखाया जाता है डोमिनिक लिम मॉर्गन को देख रहे होते हैं, मतलब डोमिनिक भी पसंद कर रहे हैं लिम मॉर्गन को। और भाई फिन बेलर बोल रहे होंगे आखिर ये चल क्या रहा है। और जब फिन बेलर का मैच हो रहा होता है ड्रैगन ली के साथ तो वहां भी लिम मॉर्गन पहुंच जाती है डोमिनिक को बचाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन से। फिन बेलर एक बार फिर इन दोनों के बीच आ जाते हैं, डोमिनिक से पूछते हैं ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। डोमिनिक यहां कुछ नहीं बोल पाते और भाई लिम मॉर्गन अब किसी भी कीमत में जजमेंट डे में रिया रिप्ली की जगह लेना चाहती है। और अब हमें हर रो पर लिम मॉर्गन और डोमिनिक के अराउंड स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। और भाई रियली में फिन बेलर को जजमेंट डे से अलग कर देना चाहिए क्योंकि वो काफी टैलेंटेड रेसलर है, उनको टाइटल पिक्चर में होना चाहिए, ना कि लिम मॉर्गन और डोमिनिक की स्टोरी लाइन का एक पार्ट बनकर रह जाना चाहिए।